Okay. Now, 4.5. 4.4. Question number 4 में देखो, question number 4 में क्या बताया? If a plus b plus c into a minus b plus c is equal to a square plus b square plus c square, then show that a, b, c are in continued proportion. क्या बताया कि a plus b plus c into a minus b plus c is equal to a square plus b square plus c square. Then हम लोग को बताना है a, b, c are in continued proportion, मतलब b square into a c. क्या बताना हम लोग को? बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, हम लोग को प्रूफ करना है. सो सी नाउ, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट? नाउ सी, ए इंटू ए ए स्क्वायर, ए इंटू बी माइनस ए बी, ए इंटू सी प्लस ए सी. ए से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी. फिर b से क्या है तो b इंटू ए ए बी, बी इंटू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर, ओके, b इंटू सी बी सी. फिर c से यहाँ पे क्या है तो ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट? नाउ सी, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर कट होगा क्योंकि ये ए स्क्वायर अगर यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो पहले से कट किया. उसके बाद सेम सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर है, यहाँ पे ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो पहले इसको कट कर दिया. उसके बाद देखो, माइनस ए बी प्लस ए बी कट, प्लस बी सी माइनस बी सी दोनों कट एक ही साइड में ना, और अलग अलग साइन है, कट हो गए. अभी बचा गया यहाँ पे टू ए सी माइनस बी स्क्वायर. सी ए सी प्लस ए सी टू ए सी, टू ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. अब ये बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो टू ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो टू ए सी इज इक्वल टू टू टाइम बी स्क्वायर. अगेन टू टू कैंसल, देन ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. इट्स प्रूफ, समझ में? यही तुम लोग को प्रूफ करना था. क्या करना था? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. आए समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया. ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ऑलरेडी दिया है. थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी एंड देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी इंटू बी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. अब यहाँ पे क्या बताया कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी. क्या प्रूव करना हम लोग को? ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी, राइट? पहले एल एच एस को सॉल्व किया मैंने. ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी माइनस ए सी, बी इंटू बी बी स्क्वायर, बी इंटू सी माइनस बी सी, सी इंटू बी प्लस बी सी, सी इंटू सी माइनस सी स्क्वायर. अगेन बी सी बी सी कट, ओके. नाउ ए बी माइनस ये जो ए सी है, इस ए सी को हम लोग बी स्क्वायर लिख सकते हैं बिकॉज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. तो ए सी की जगह पे बी स्क्वायर लिखो या फिर यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह पे ए सी लिखो, एक ही होगा. तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगेन माइनस प्लस कट हो गए, तो बचा के ए बी माइनस सी स्क्वायर एंड देट इज अवर आर एच एस. देखो ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना था, ओके. और वही क्या हुआ आखिर में, यहाँ पे हम लोग ने प्रूफ किया ए बी माइनस सी स्क्वायर, ओके. राइट डाउन. सेकेंड सम देखो, इसमें क्या बताया? बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी द होल ब्रैकेट स्क्वायर. क्या बताया इसमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी द होल ब्रैकेट स्क्वायर. पहले हम लोग एल एच एस सॉल्व कर सकते कर लेते. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b into b, b raised to 4, b square into b square, b raised to 4, plus b square, c square. क्या क्या दोनों टर्म्स से इसमें मल्टीप्लाई किया, राइट? नाउ देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज प्लस
ए स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर, ए सी मतलब क्या ए सी स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर पहले सब में हम लोगों ने दिखाया है। ओके, सम सॉल्व करने से पहले स्टार्टिंग में बताया कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे ए सी की जगह पे बी स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो बी स्क्वायर का स्क्वायर बी रेस टू फोर प्लस बी रेस टू फोर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे वन और वन क्या हो जाएंगे, टू टाइम बी रेस टू फोर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू टाइम बी रेस टू फोर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये वन पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट देखो क्या है, अभी हम लोग को आर एच एस सॉल्व करना है। ए बी प्लस बी सी द होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी द होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसमें देखो ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला, ए प्लस द बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू टाइम ए बी इंटू बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हम कैसे देते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों को मल्टीफाई, फिर उसका ट्वाइस और फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर। तो ऐसे यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू टाइम ए बी इंटू बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। नाउ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू टाइम ए सी इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू सी बी इंटू बी बी स्क्वायर। ए सी अलग क्यों लिया, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे टू टाइम ए सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आया है, राइट। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू टाइम बी स्क्वायर बी स्क्वायर, टू टाइम बी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम बी रेस टू फोर, वाई ये सेम है तो इनको प्लस करेंगे, बी रेस टू फोर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, नंबर टू। अब देखो नंबर वन में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू टाइम बी रेस टू फोर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और टू में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू टाइम बी रेस टू फोर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों सेम है एंड दैट्स वाई फ्रॉम वन एंड टू एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। इसको के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वन देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी। कभी कभी एल एच एस एक साइड सॉल्व किया तो दूसरा साइड क्या होता है, अपने आप मिलता है। नाउ से एल एच एस में क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो बी स्क्वायर जगह पे ए सी लिखो, तो ए स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए बी। नाउ इसमें से ए कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, ए प्लस सी अपॉन ए बी, ए ए कट हो गया तो बचा क्या, ए प्लस सी अपॉन बी, और वो हमारा क्या है, आर एच एस है, सेम हमारा क्या है, आर एच एस है। तो वन है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, आया समझ में। इसको हम लोग कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब